फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको तुलसी जी की कैसे हम केयर कर सकते हैं वो दिखा रही हूँ। तो देखिए, अभी सभी के प्लांट में काफ़ी दिक्कत आती है इस तरह के। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर के कीड़े हैं ये बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। और इसकी ये देखिए ब्लैक ब्लैक, ये छोटे वाले जो कीड़े होते हैं ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा लगते हैं और इनको साफ़ हम करते हैं मगर फिर आ जाते हैं। ये देखिए तो, और पत्ती भी देखिए किस तरह से वाइट वाइट सी हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए क्या लेना है हमको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कपूर। कपूर जो हम पूजा में यूज़ करते हैं ये वही कपूर है, और इसको इतना लेना है हमें। ये एक लीटर पानी मैंने खौला लिया है। जब ये खौल जाए तो इसकी गैस ऑफ कर देंगे और इस कपूर को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, जैसे अदरक वगैरह कुछ थोड़ा सा क्रश करके और इस पानी में डाल देंगे। और इसको आप 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए ढककर। उसके बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, जैसे कि अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसके ठंडे होने के बाद आप इसको प्लांट में यूज़ करेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले देखिए इसको हम छान लेते हैं। और तो फ्रेंड्स, इसको मैंने छान लिया है। और ये देखिए, ये जो इसका बचा है कपूर, जो पार्ट रह गया है नहीं गला है, उसका मैं अभी यूज़ आपको बताऊंगी कि इसका क्या करना है। और ये जो पानी है इसको हम इस तरह की एक वेस्ट बॉटल ले लेंगे, कोई भी वेस्ट बॉटल ले लेंगे और उसमें हम इसको भर लेंगे। तो अभी मैं भर के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको भर लिया है इस बॉटल में, और ये एक वेस्ट बॉटल है। इसके कैप में मैंने होल कर रखे हैं, आपको मैंने बताया हुआ है, बहुत इजी है इसको करना। तो इस तरह से हम इसको स्प्रे बॉटल की तरह यूज़ करेंगे। और ये जो कपूर है इसको अलग कर लिया है। तो अब हम कैसे यूज़ कर रहे हैं प्लांट पर, तो कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से आप प्लांट को, तुलसी जी के प्लांट को, और बस ऊपर से इस तरह से शावर कर देंगे। खूब अच्छे से नहला दीजिए फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आपको कीड़े दिख रहे हैं ये देखिए, उन कीड़ों पर इसको गिरना चाहिए। बहुत अच्छा सा खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा स्मेल होता है कपूर का। तो और इस तरह से हम अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे, कोई हार्मफुल नहीं है। देखिए तुलसी जी के प्लांट को हम, मैंने और भी फंगीसाइड आपको बताए हैं, तो केमिकल बेस्ड भी हम नहीं डाल सकते क्योंकि काफ़ी नाजुक होती हैं। और दूसरा है कि प्याज और अदरक वगैरह, जो गार्लिक और जिंजर का मैंने बताया है, वो भी हमने यूज़ कर सकते हैं। तो ये कपूर बहुत अच्छा है एक ऑप्शन हमारे लिए कि हम कपूर के ये बनाएंगे फंगीसाइड और डालेंगे। तो आपने देखा मैंने इसी तरह प्लांट को पूरा नहला दिया है। इसके बाद मैं आपसे बता रही थी कि इसका क्या यूज़ है। तो इसको भी फ्रेंड्स हम लेंगे और पूरे गमले में चारों तरफ इस तरह से डाल देंगे। तो क्या होगा, नीचे से ये कीड़े नीचे ज़मीन पर गिर जाएंगे और गिरने के बाद फिर से चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये मिट्टी में जब पड़ा रहेगा तो वो नहीं चढ़ेंगे और चींटियाँ भी नहीं आती हैं। तो कीड़े और चींटियाँ दोनों के लिए इसको बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी यूज़ करिए, देखिए कितना ईजी है इसका तरीका। और बहुत ही कम, 2 रुपये का कपूर आपको ये मिल जाएगा। इतना कपूर लगना है बस फ्रेंड्स, इतना सा टुकड़ा आपको लेना है और इसको आप यूज़ करिए और फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा। हाँ, ये है कि 2 से 3 बार आप यूज़ करोगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। बाकी फ़र्स्ट टाइम से ही आप देख सकते हो कि कीड़े मरना शुरू हो जाएंगे, भाग जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। एक खूबसूरत कॉस्मोस का फूल दिखाते हुए वीडियो को बंद कर रही हूँ। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।